सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजय सिंह राजपूत, फिर से एक नई प्रॉपर्टी ब्लॉग में स्वागत करता हूं। अभी लगातार कुछ दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ना इन्वेस्टमेंट वाला प्लॉट दिखा रहा था, जिसमें या तो वृंदावन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर जेवर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर लोगों की क्वेरी आना स्टार्ट हो गया, भैया हमें ऐसे भी दिखा दो जहाँ पे हम घर बना के रह सके। तुरंत हमें रेजिडेंशियल वाला चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो हम कर ही रहे लेकिन हमें साथ में वो भी चाहिए जहाँ पे हम अपना घर बना के रह सके। क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक अलग अलग बजट होता है, किसी को इन्वेस्ट करना होता है, किसी को एंड यूजर है जिनको अपना घर बना के रहना है। तो वो प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ आज, बहुत लोकेशन बढ़िया है, फ्री होल्ड प्लॉट है। आपको पता है कि मैं ज़्यादातर फ्री होल्ड में ही काम करता हूँ, फ्री होल्ड प्लॉट है। साथ में आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्री मिलेगा, मोटेशन मिलेगा, फाइनेंस भी है यहाँ पे, लोन भी आपका हो जाएगा, सीवर भी डला हुआ। लोग ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है सीवर है, हाँ तो भाई इसमें के अंदर सीवर भी है, रोड भी है, बिजली भी डली हुई है। साथ में कम से कम 50 से 60 फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्टेड है, घर बना के रह रही है। तो इतने अच्छा प्लॉट लेके आया हूँ। लोकेशन है, मैं लोकेशन बता दूँ, नोएडा एक्सटेंशन का लोकेशन है अपना। और प्राइस भी बहुत बढ़िया है, प्राइस बताऊंगा लास्ट में, स्टार्टिंग में प्राइस नहीं बताऊंगा। वीडियो बड़ी होगी तो लंबी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें ना एक चेक एक चीज़ एक एक डिटेलिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप विजिट ना भी करो ना तो आप सही से समझ सकते हो कि जहां मैं प्लॉट दिखा रहा हूं उसके आसपास क्या मिलने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए हमेशा बोलना चाहूंगा कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं ना तो जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, जो सेल करने वाला है, उसका बैकग्राउंड आप जरूर चेक करें। देखिए मैं उन्हीं के साथ काम करता हूं जो मार्केट में पुराने होते हैं, जिनका प्रोजेक्ट है अच्छे खासा, उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके। तो अगर आप मेरे प्रोजेक्ट पे नहीं लेना, किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप प्लॉट लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, घर लेते हैं, कहीं भी लेते हैं, तो बिल्डर के बारे में, डेवलपर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कहाँ से है, इसकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है कि नहीं है, और इसकी ऑफिस कहाँ पे है, और ये कितने साल से फील्ड में बैठा हुआ है, और इसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। किसी को हैंडओवर दिया ही नहीं जमीन, किसी का रजिस्ट्री नहीं कराया, किसी का मोटेशन नहीं कराया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी आज दिखाने वाला हूँ आपको, ये प्रॉपर्टी जो है पहले फेज जो है, फर्स्ट वन जो है, फेज वन भी दिखाऊंगा जिसमें सिर्फ एक दो प्लॉट बचे हुए हैं, टोटली सोल्ड आउट हो चुका है। तो वो इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको मालूम चले कि जो डेवलपर है उन्होंने किस तरीके से काम करते हैं। उन्होंने अपना पहले फेज में बकायदा रोड, सीवर, बिजली सब कुछ का व्यवस्था दिया है, जो कि आप यकीन मानिए फ्री होल्ड प्लॉट में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि सीवर डाल के देते हैं, अदरवाइज कोई सीवर नहीं डालता फ्री होल्ड प्लॉट में, बट ये सीवर डाल के रखे हुए हैं, इन्होंने सीवर डाला हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो और जो इनका सेकंड फेस आने वाला है वो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, वो फ्यूचर की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि इसमें आगे चल के किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सीवर भी डालते हैं तो दो अलग अलग सीवर टाइप होता है, जैसे एक बाथरूम का पानी अलग से जाएगा, एक टॉयलेट किचन का अलग से जाएगा। तो ये सब कुछ है, बढ़िया डेवलपर है। तो चलिए उनकी आज प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहले आसपास की आपकी लोकेलिटी चेक कराऊंगा यहाँ पे, ये सेक्टर 10 की अथॉरिटी का प्लॉट है सारे यहाँ पे, जहाँ पे आपको हाई रेज बिल्डिंग, मेट्रो, कमर्शियल, ये सब कुछ यहीं पे आने वाला है। और सामने जनता फ्लैट्स हैं, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 350 बेड का हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ पे है, सेक्टर 10 से लगा हुआ, जो हमारा पहला फेस वन है, फेस वन प्रोजेक्ट जो है वो जो टोटली सोल्ड आउट हो चुका है। उसमें एक दो इन्वेंट्री वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। फ्री होल्ड की लैंड है, ये मत सोचिएगा कि अथॉरिटी का प्लॉट बेच रहा हूँ, नहीं जी अथॉरिटी का प्लॉट नहीं बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ आपको आज फ्री होल्ड लैंड, जहाँ पे आज आप चाहे तो तुरंत मकान बना के रह सकते हैं। ये फेस वन है हमारा इंजीनियर सोसाइटी का, जो आप देख रहे हैं बिल्कुल अथॉरिटी के प्लॉट से लगा हुआ प्रोजेक्ट है, जो वेल डेवलप है, जहाँ पे आपको सीवर, रोड, पानी, बिजली, ये सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट मिलता है। आसपास की लोकेलिटी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कल को अगर आप विजिट करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ये सब कुछ पहले से पता होनी चाहिए कि जहाँ जी आप प्लॉट लेने वाले, जहाँ आप अपना घर बनाने वाले हैं, वहाँ के आसपास में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये जनता फ्लैट है, आप देख सकते हैं अथॉरिटी का जनता फ्लैट बनाया सेक्टर 10 का। और चलिए अभी सोसाइटी में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बकायदा यहाँ पे बिजली का कनेक्शन करके दिया जा रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि जी आप डंडे पे, बांस पे आप अपना बिजली कनेक्शन कहीं दूर से लेकर आ रहे हो, नहीं, यहाँ पे जो है हम आपको सीवर डाल के देंगे। सिंगल सीवर नहीं है, डबल सीवर है, और इसकी निकासी भी कर दी गई है, जहाँ पे आपको जो गंदे पानी होते हैं वॉशरूम के और किचन के अलग अलग सीवर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दो दो सीवर डला हुआ है कि बाथरूम का अलग सीवर होगा और प्लस किचन का अलग सीवर होगा। सोसाइटी की खासियत क्या है कि अगर आप यहाँ प्लॉट लेते हो तो जितनी आपकी ज़मीन होगी आप उतने में ही एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसे ये मकान देख रहे हैं, इनका स्टेयर रोड के साइड पर नहीं है, रोड के बराबर में इन्होंने बना रखा है, क्योंकि इसका एक एग्रीमेंट होता है कि जी आपकी जो घर की जीना होगी वो रोड पर नहीं होना चाहिए। कितने लोग क्या करते हैं रोड पे कूलर लगा देते हैं, वो अलाउ नहीं है। कितने लोग क्या करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे एसी
जो विंडो एसी है वो बाहर निकालते हैं, वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसका बकायदा एग्रीमेंट होता है, ये सबके लिए होता है कि रोड आपने परचेज़ नहीं किया है तो रोड पे आप कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, कोई भी आपका सामान या काम नहीं होना चाहिए। आपको जो करना है आप अपने प्लॉट में कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर आप 3 फुट का छज्जा निकाल के आप कूलर एसी जो लगाना लगा सकते हैं। वेल डेवलप है सोसाइटी में, अभी फेस 1 है तो इसमें सिर्फ एक दो ही प्रोजेक्ट है, एक दो प्लॉट इन्वेंट्री अवेलेबल है जिसका प्राइस आपको 19 से 20 हज़ार रुपये प्रति गज के हिसाब से मिल जाता है, जहाँ पर आपको 1 से 1.5 महीने या मैक्सिमम 2 महीने का आपको टाइम मिलता है पेमेंट करने का। और एक खासियत और है, आप बिना पैसा भी यहाँ पर रजिस्ट्री करा लीजिए, बाकी का पीडीसी चेक भी दे सकते हैं, ठीक है जी। इतना ट्रस्ट है लोगों को तो आप आ सकते हैं। बकायदा देख रहे हैं पूरी बसावट है यहाँ पे, काफ़ी फैमिली और रहती है, तो आज प्लॉट परचेज करके रजिस्ट्री करा के कल से अपना यहाँ मकान का काम स्टार्ट कर सकते हैं। लोन की रही बात, लोन भी यहाँ पे इजिली अवेलेबल है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन होता है। अगर आप सिंपल अगर आपको सिर्फ प्लॉट परचेज करना हो तो उसके लिए लोन नहीं मिलता। लोग गलत बोलते हैं कि जी प्रॉपर्टी आप प्लॉट लो तो उसके ऊपर लोन होता, नहीं, जब भी आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं तभी मिलता है। तो चलिए अभी लेकर चलता हूँ फेस 2 में, जो आज प्रॉपर वहीं पे वीडियो दिखाने वाला हूँ। फेस 2 में हमारे पास अभी नया स्टार्ट किया हमने, बहुत ही बढ़िया है और इसी लोकेशन के साथ में, बसावट के साथ में और सारी फैसिलिटी के साथ में आपको वो प्लॉट मिलता है जो कि रिजनेबल प्राइस में है। फ्री होल्ड प्लॉट है, गेटेड सोसाइटी, जहाँ पे उसमें RCC का रोड आपको मिलेगा, वेल बिजली के कनेक्शन होगा और रोड सीवर ये सब कुछ आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। जैसे आपने फेस 1 देखा था कि वेल डेवलप था, वैसे ही फेस 2 भी हम आपको देंगे। प्रोजेक्ट अगर आप रोड प्राइस का कंपेयर करोगे तो ज़रूर कहोगे हाँ जी इस लोकेशन के हिसाब से प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि हम उसके अंदर फैसिलिटी ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि लोकेशन बहुत बढ़िया है, आसपास राजेंद्र पायलट जी का यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी है, स्कूल्स भी हैं, मार्केट भी, सब कुछ मिल जाता है इजिली आपको। तो लोकेशन का भी प्राइस होता है, प्लस अगर हम डेवलप करा रहे हैं उसका भी प्राइस होता है। तो कहीं भी अगर आप कंपेरिजन करते हैं ना तो जी कंपेरिजन सही से कीजिएगा, ये नहीं कि हाँ जी अगर मैंने बोल दिया कि इस लोकेशन में मैं इतने का दे रहा हूँ तो लोग सिर्फ लोकेशन के ऊपर करते हैं, बट आप बकायदा आप फैसिलिटी तो देखिए वहाँ पे आके चेक तो कीजिए। लोकेशन है बेतपुरा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपना आता ही है, नियर रोजा जलालपुर सादुल्लापुर के आसपास ये बेतपुरा पड़ता है, वहाँ की प्लॉट है जहाँ पर आपको सारी मूल सुविधा जैसे कि स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, ATM, बैंक, ये सब कुछ आपको इजिली मिल जाता है। फ्री होल्ड प्लॉट है, ग्रेटर सोसाइटी के अंदर लेके आया हूँ, ठीक है। तो अभी आपको देखिए आसपास पूरी मार्केट दिखा लूँ, क्योंकि जब आप कल को यहाँ पे विजिट करोगे यही चीज़ आपको उस दिन भी दिखाया जाएगा। और मार्केट दिखाने से क्या होता है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, बट आपको एक एक चीज़ डिटेलिंग मिल जाता है। कितने लोग कहते हैं भैया वीडियो बड़ी बनाते हो, देखिए रीज़न क्या होता है कि मैं एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्कूल देखिए, मैं बार बार बहुत सारे स्कूल्स भी दिखा दिया हूँ, मार्केट भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मार्केट है ना, इस मार्केट से मात्र 200 मीटर की ही दूरी पे हमारी प्रोजेक्ट है। अभी देखना, मैं यहाँ से सीधे दिखाऊंगा, ये मार्केट देख लिया आपने ये, ठीक है। तो देखिए ये अपना मेन रोड हो गया बेतपुरा का, अभी आपको मैं प्लॉट दिखाता हूँ इसी रोड से। देखिए सीधे अभी कोई वीडियो कट नहीं करूँगा, डायरेक्ट वीडियो दिखाऊंगा आपको। देखिए ये इसी रोड पे ये स्कूल के जो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे के पीछे जो ये अपना बाउंड्री आप देख रहे हैं सीमेंटेड जो बाउंड्री है वो हमारी सोसाइटी की बाउंड्री है। तो आप देख सकते हैं मात्र 200 मीटर की दूरी पे प्लॉट होने वाला है। तो लो जी आ चुके हैं अपनी हम प्रोजेक्ट के अंदर, और ये सीमेंटेड जो देख रहे हैं ये हमारी सोसाइटी की बाउंड्री है, जो चारों तरफ से आपको बाउंड्री वॉल के अंदर आपको प्लॉट मिलने वाला है। स्कूल आपने देख लिया, इलाहाबाद स्कूल है, साथ में ये जो रेड वाला देख रहे हैं ये कॉलेज है यहाँ पे। तो लोकेशन बहुत आपका मस्त है, यहाँ पे बहुत बढ़िया लोकेशन के पास मिलता है। अब एक चीज़ आप देखो, आप कहोगे यार इसमें इतनी सारी बाउंड्री हो रखी है, ये कहीं सोल्ड आउट तो नहीं है? नहीं जी, ये जितने भी आप बाउंड्री देख रहे हैं ये रोड की बाउंड्री है। इसमें हम रोड की ऊंचाई उठाने वाले हैं, जो रोड होगी काफ़ी हम भराई करने के देने वाले हैं। अभी जो हमारे गेट के सामने जो रोड है उसके उससे भी ऊपर है हमारी प्लॉटिंग, बट हम इसमें 3 से 4 फुट की लेवलिंग करके देने वाले हैं कि फ्यूचर में अगर कभी भी रोड ऊपर बढ़ाया जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो मेन रोड था मार्केट के उससे ऊपर हम उसके लेवल में लेके आ रहे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके घर में, कभी यहाँ बरसात के पानी नहीं ठहरे। के देखिए यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ना, इतनी हम यहाँ पर लेवलिंग करके देंगे, इतनी मिट्टी भर के इस लेवल का हम रोड बना के देने वाले हैं आपको। तो वेल डेवलप करके देने वाले हैं, इसी चीज़ का तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग कहेंगे यार प्राइस ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि 16 से 17 हज़ार रुपये प्रति गज के हिसाब से यहाँ प्लॉट मिलने वाला है, सस्ते नहीं है 16-17। यहाँ देखिए ये पूरी आप देख सकते हैं, तकरीबन ये 4.5 फुट की लेवलिंग हम करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी हमारी मिट्टी कितने डलेंगे, कितने खर्चे देखिए इनके यहाँ पे, यहाँ तक हम लेवलिंग करके देने वाले, रोड बना के देने वाले हैं, और इसके अंदर सीवर और बाकायदा बिजली ये सब कुछ आपको कनेक्शन यहाँ मिलने वाला है। प्राइस बता दूँ 16 से 17 हज़ार रुपये गज के हिसाब से है, और आपको जो है यहाँ पे भी आपको मकान बनाने के लिए लोन हो जाएगा। इस ब्लॉक पे खड़े हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे खड़े हैं हम लोग जी, ठीक है ना। अभी ये मेन रोड है आपका, ये ऐसे आए हैं, इसकी तो सॉफ्ट कॉपी हम दे देंगे आपको। ये ऐसे आए हम लोग, फिर यहाँ से ऐसे घूमे, यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, ये ऐसे आके यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये रास्ता 21 फीट का आ रहा है, ये है 20 फीट का,
ये है 18 फीट का, ये भी 18 फीट का है, और ये 16, दो ब्रांच 16 के हैं। ठीक है, ये 17 का है, ये 17 का है, ये 18 का है। ये जो फ्रंट के जो प्लॉट है ये सोल्ड आउट, सोल्ड आउट हो चुके हैं। बकायदा देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ है कि यहाँ पे यहाँ तक मिट्टी की लेबलिंग करके हम आपको देने वाले हैं। प्राइस फिर से कन्फर्म करा दूँ, 16,000 और 17,000 रुपये गज के हिसाब से है। रोड और सीवर ये सब कुछ का, बिजली का कनेक्शन करके देके जाएंगे। कुछ डेवलपमेंट चार्ज है वो आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पे, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका होता है जी। एक बार आपको डेवलपमेंट चार्ज पे कर दिया, तकरीबन 20,000 रुपये लगता है वन टाइम। ये सामने देख रहे हैं, ये अपना स्टेडियम है, यहाँ पे बच्चों को पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। और मारीपत है जो रेलवे स्टेशन है, मात्र यहाँ से आपको 300 से 400 मीटर की दूरी पर मारीपत रेलवे स्टेशन मिल जाता है। सामने देखिए रोड दिख रहा है आपको, वही मार्केट वाला रोड है, तो उसके लेवल में हम यहाँ पर जो है आपको पूरा सोसाइटी के जो रोड की लेबलिंग है वो करके देने वाले हैं। यहाँ पे प्राइस फिर से बता दूँ, 16,000-17,000 रुपये गज के हिसाब से। अगर आप कैश में लेते हैं तो आपको इसमें 16,000 का रेट लग जाता है, ईएमआई पे 17,000 का है। बट अगर जो कॉर्नर का प्लॉट लेते हैं तो 17,000 का है, सिंगल साइड 16,000 रुपये का है। 4 से 6 महीने का टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने का, अदरवाइज आप यहाँ पर लोन भी करा सकते हैं। रजिस्ट्री मोटेशन के साथ आपको मिलता है ये जी, ठीक है, देख सकते हैं रजिस्ट्री मोटेशन के साथ मिलता है। आबादी के अंदर ऑलरेडी ये दर्ज ज़मीन है, और जैसे देख सकते हैं ये हमारी फेस 1 की हमने यहाँ पे पोस्टर लगा रखा है। इंजीनियर सोसाइटी के नाम से है, बेतपुरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आता है, और अपोजिट यहाँ पड़ता है सेक्टर 12 के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। जब बाकायदा जब आप विजिट करेंगे तो आपको एक एक चीज़ दिखाया जाएगा। इलाहाबाद पब्लिक स्कूल देखिए जस्ट हमारे प्लॉट के बगल से ही, वो हमारी सोसाइटी की बाउंड्री से जो आप देख रहे हैं, और ये हमारे यहाँ पे स्कूल है। तो जब आप विजिट करेंगे तो और भी जो मास्टर प्लान है, क्या क्या यहाँ पे फ्यूचर में कहाँ मिलने वाला है, मेट्रो कहाँ पे आने वाली है, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे आने वाली है, ये सब कुछ आपको बाकायदा बैठ के आपको समझा दिया जाएगा। क्योंकि वीडियो में इतना कुछ बताना और आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, बट एक होता है कि लोकेलिटी दिखा दिया जी, प्राइस बताना था, ठीक है। तो फ्री होल्ड लैंड है, ऑल फैसिलिटी के साथ मिलने वाली है। रजिस्ट्री मोटेशन है, यहाँ पर आबादी की ज़मीन है, नियर बाई लोकेशन आपको ऑटो रिक्शा ये सब कुछ आपको इजली यहाँ पे मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जेवर एयरपोर्ट वृंदावन में, नोएडा एक्सटेंशन में, और भी हमारे पास प्रोजेक्ट है। ये देखिए जस्ट प्रॉपर्टी के सामने कॉलेजेस भी है, तो आप यहाँ पे एक रेंटल पर्पज़ के भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे मकान बना दिया तो यहाँ पे इजली आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको रहने के पर्पज़ से देख रहे हैं तो मैं जरूर ये कहूँगा कि अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई भी फ्री होल्ड प्लॉट देख रहे हैं तो एक बार हमारी सोसाइटी पे आप जरूर विजिट करें, और यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ की जो डेवलपमेंट है जो हमने फेस 1 में जैसे करके दिया है, वो सब कुछ चेक करके ही आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कीजिए। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि सब कुछ जाँच पड़ताल करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम।